हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। बच्चे 13 से 14 लाख बच्चे हमारे सीयूटी का एग्जाम देते हैं और बच्चे वेट कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, कब आएगा, कब डेट कब आएगी, कब मुझे डेट पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो बच्चे एनटीए इस बार ले रही है टाइम। एनटीए ने बोला था कि बच्चे 30 जून तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कितने जून तक? 30 जून तक। लेकिन बच्चे अब तक रिजल्ट नहीं आया है, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन बच्चे अब डेट आ चुकी है कि किस डेट को रिजल्ट आएगा। बच्चे 10 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। बच्चे डेट कंफर्म हो चुका है, ठीक है, इसी डेट को रिजल्ट आएगा। डेट नोट कर लो। और बच्चे अगर आपको और भी नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बच्चे इसी वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि बच्चा अगर आपके आए हैं लो परसेंटाइल, चाहे जेईई मेंस में, चाहे आपके 12वीं मार्क्स कम आए हैं, और अगर आप चाहते हो चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप किसी और कोर्स में लेना चाहते हो, अगर बच्चा बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है तो बच्चे हमारे 25 यूनिवर्सिटी के साथ टाइप्ड है, ठीक है। हम हेल्प करते हैं बच्चों को कि हम बच्चे की एडमिशन करा सके। तो बच्चे आप हमें इस नंबर पर कॉल करके, बच्चे हम आप इस नंबर पे 9667103518, बच्चे इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉल करके अपनी क्वायरी भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे अगर आपको कोई भी क्वायरी है आपके मार्क्स से रिलेटेड, 12th के मार्क्स से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या फिर अदर कोई भी क्वायरी है बच्चे, अगर आपको आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, बीटेक के लिए, तो बच्चे वहाँ भी हमारे पास वो भी तरीके अवेलेबल है। लेकिन बच्चे आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा इस नंबर पर कॉल। बच्चे अगर आपको लग रहा है ना कि आपके जेईई मेंस के अंदर मार्क्स कम आए, जेईई मेंस के अंदर मार्क्स कम आया तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, बच्चा ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मार्क्स कम आए तो डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे कॉलेज अवेलेबल हैं जो जेईई मेंस के मार्क्स को नहीं प्रायोरिटी देते, तो 12th के मार्क्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो बच्चे ऐसे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। बस आपको आपको देखो बच्चे दो चीज होती है, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है टारगेट। टारगेट हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, टारगेट मैं बताऊंगा, टारगेट आपको मिल जाएगा। बच्चे टारगेट आपने डिसाइड किया है, इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा एंड टारगेट मिलकर अचीव करेंगे, ठीक है बच्चा। टारगेट आप डिसाइड करोगे, इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और हम मिलकर हम अपना एम डिसाइड करेंगे, एम बनाएंगे एंड आगे बढ़ेंगे। बच्चे अगर आपका सपना है इंजीनियर बनना तो बच्चे इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वारी सॉल्व कर सकते हो। एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, ऐसे कॉलेजों में एडमिशन कराऊंगा। बच्चे इंडिया का बेस्ट कॉलेज होंगे बच्चे, अदर देन IIT, NIT एंड IIIT। बच्चे इसके अलावा भी और भी कॉलेज हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो NIT, IIIT और IIT से नहीं इंजीनियर करते, लेकिन आज भी अच्छा पैकेज दे जाते हैं, 50 लाख 60 लाख ऐसे तक के पैसे करके पैकेज दे जाते हैं। तो बच्चे अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।